आज देश भर में चलेगा स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर यह अभियान शुरू किया गया है। सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है देश के भविष्य के लिए हाथ बटाएं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज स्वच्छता अभियान की शुरुआत होगी 10 बजे और 1 घंटे का ये जो श्रमदान है उसकी अपील लोगों से भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपील की कि देश के भविष्य के लिए हाथ बटाए। आज गांधी जयंती है और इस मौके पर स्वच्छता अभियान चलेगा और सुबह 10 बजे से 1 घंटे तक श्रमदान किया जाएगा, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और इसके अलावा कई जगह पर कार्यक्रम रखा गया है जहां पर स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ ही एक अभियान की शुरुआत की जाएगी स्वच्छता को लेकर। हालांकि पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील करते रहे हैं कि देश को स्वच्छ रखना हमारी पहली प्राथमिकता है और लोगों को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। तो सुबह 10 बजे इस अभियान की शुरुआत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट भी किया और लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। तो आज गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की जाएगी। हालांकि पहले से भी इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को जागरूक करते रहे हैं, उनसे भी अपील की गई। अब ऐसे में बड़ी संख्या में लोग आज इस अभियान में शामिल होंगे। तो पीएम ने ट्वीट करके कहा कि देश के भविष्य के लिए सभी आगे आकर हाथ बढ़ाएं और लोगों से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जनभागीदारी का हर एक प्रयास बहुत ज्यादा अहम है। आइए सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। तो पीएम ने ट्वीट किया और बताया कि अपने आसपास सफाई रखना, स्वच्छता रखना हम सभी की जिम्मेदारी है और सभी को जिम्मेदारी समझनी भी होगी और सुबह 10 बजे एकजुट होकर 1 घंटा स्वच्छता को समर्पित करें और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना हाथ बटाएं। तो देश भर में कई हिस्सों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री स्वच्छता को लेकर काफी ज्यादा लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके श्रमदान के लिए लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रिय देशवासियों, पीएम नरेंद्र मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में राष्ट्र ने स्वच्छता को एक राष्ट्रीय संस्कार के रूप में आत्मसात किया है। आइए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आगामी 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे 1 घंटे स्वच्छता हेतु श्रमदान करें। स्वस्थ उत्तर प्रदेश परिकल्पना को साकार करें। हमारा ये योगदान है कि श्रद्धेय बापू के प्रति स्वच्छांजलि होगी। आज सीतापुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां ललिता देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम और स्वच्छता श्रमदान में भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। निमिषारण्य में साधु संतों के साथ में मुलाकात भी करेंगे। तो आज सीतापुर का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और यहीं पर कार्यक्रम होगा स्वच्छता को लेकर, उसमें भी शामिल होंगे और साथ ही लोगों से भी सीएम ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े। और बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस रेडियो स्थापना दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई है। पुलिस रेडियो स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम रखा गया है। आज से 3 अक्टूबर तक पुलिस रेडियो ऑफिस में कार्यक्रम होगा और शाम 4 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और अब खबर लखनऊ से है, मायावती की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है।
यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सुबह 11 बजे बीएसपी मुख्यालय में बैठक होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर मायावती आज एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, इसको लेकर जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो तैयारी कर ही रही हैं, और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज बैठक करने जा रही है। सुबह 11 बजे बीएसपी मुख्यालय में ये बैठक होगी। बाराबंकी शहर में बारिश और बाढ़ से जलभराव की जांच रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में शहर के डूबने का कारण नदी और नालों में अवैध कब्जे को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जमुनिया नाले रेत नदी की आधी से ज्यादा जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके कारण जल निकासी प्रभावित हुई और शहर में जलभराव के हालात बन गए। दरअसल कुछ दिन पहले बारिश और बाढ़ के कारण बाराबंकी शहर में तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद में सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। इस कमेटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। का ढेरों सामान डूब गया है, बेड वगैरह सोफा वगैरह जो हमारा रखा हुआ था वो सारा बह गया था, उसको दोबारा पकड़ के लाया गया है किसी तरह खींच के रस्सी से, उसको हम लोग आग तक की सुखा रहे हैं, कभी वो सूख नहीं पाया है, घर उजड़ा पड़ा है। भाई ये तो प्रशासन जिम्मेदार है, नक्शा उसने पास किया, घर बना, उसके बाद बहुत दिन के बाद फिर टैक्स भी लग गया, सब टैक्स भी दे रहे हैं, किस बात का आखिर दे रहे हैं, और क्यों प्रशासन ने नक्शा पास किया। चित्रकूट से बड़ी खबर मिल रही है, छात्रा को अगवा कर मंदाकिनी पुल से फेंकने का नया मामला सामने आया था, जिसमें एक नया मोड़ भी देखने को मिला है। पुलिस का कहना है कि छात्रा सीसीटीवी में जाती दिख रही है, इससे खुदकुशी की कोशिश की तरफ एक बड़ा इशारा माना जा सकता है। फिलहाल पुलिस दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि खबर आई थी कि कोचिंग से लौटते वक्त छात्रा को अगवा किया गया और उसे मंदाकिनी पुल से फेंक दिया गया। यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के का बताया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो सामने आया है, जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले, उसमें देखा गया कि छात्रा खुद ही उस ओर जाती हुई नजर आ रही है। जी, एक 17 वर्षीय युवती है, वो अपने कोचिंग सेंटर से जब निकली तो उनके कथनानुसार बाइक पे दो लोग वेट कर रहे थे, जिन्होंने जबरदस्ती उनको बाइक पे दिखाया। कोचिंग से लगभग 300 मीटर की दूरी पे जो मंदाकिनी नदी पे पुल है, उस पुल से उन्होंने उसको नीचे फेंका। तो सौभाग्यवश वहाँ पे नदी के आसपास जो लोग थे उनके द्वारा युवती को बचा लिया गया है, और जो उनको प्राथमिक उपचार मिला है उसके अनुसार वो स्टेबल है। फरुखाबाद पुलिस ने अग्निहोत्री रेस्टोरेंट और शिकाजो प्लाजा में छापेमारी कर शिकाजो प्लाजा रेस्टोरेंट में अय्याशी करने वाली 9 लड़कियों और 11 युवक पकड़े हैं। सेक्स रैकेट पकड़े जाने की सूचना मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। ये कहां कहां के लोगों को कुछ पता चल पाया है? बाहर के। कितने समय से हो रहा था ये धंधा? अब इसके तो 3 दिन का विषय है। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनूघाट कस्बे में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, और इस दौरान बिहार राज्य के रहने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए अरेस्ट कर लिया। इनके पास से एक लग्जरी वाहन, अवैध असलाह और साथ ही कई मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो के तेज गति से आकर पुलिस के ट्रैफिक चेकिंग बैरियर को टक्कर मार दी गई थी, जिसमें बैरियर का एक हिस्सा लगने से एक कांस्टेबल के सर पर चोट आई थी, जिनको बाद में हॉस्पिटल भर्ती किया गया था, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में जो 5 अभियुक्तों की देवरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, और जो कुछ नाम और सामने आए हैं जिनकी भी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बदायूं में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार एक युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा थाना अलापुर क्षेत्र के अभ्यासा गांव के पास का है।
पाकिस्तान की सीमा के बाद में बांग्लादेश के शर्मी प्रेमी के लिए भारत पहुंची है। श्रावस्ती पहुंची शर्मी के को यहां पर रहने वाले अब्दुल करीम में टिकटॉक के जरिए प्यार हुआ था, जिसके बाद में टूरिस्ट वीजा पर अपने 3 बच्चों के साथ में शर्मी श्रावस्ती पहुंच गई। लेकिन प्रेमी अब्दुल करीम के शादीशुदा होने की जानकारी के बाद में वो बांग्लादेश वापस चली गई। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश निवासी शर्मी के पति की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। शामली में बाइक सवार बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। 6 से ज्यादा बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया और हमला का ये जो वीडियो है ये भी सामने आया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि हमलावरों की जो तस्वीर है वो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के भीतर कुछ लड़कों द्वारा चाकू लेकर घुसने का मामला सामने आया। स्कूली छात्राओं का आरोप है कि कुछ अज्ञात लड़के हाथ में चाकू लेकर लगातार कुछ दिन से स्कूल परिसर के अंदर आ रहे हैं और लड़कियों को चाकू दिखाकर धमका रहे हैं। स्कूली छात्राओं ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक टीचर्स के द्वारा इस मामले में न बोलने की धमकी भी दी जा रही है और स्कूली छात्रों का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर लगातार 3 दिन से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस स्कूल में 3 दिन से कभी कुछ ना कुछ कांड सुनने के लिए दिखाई दे रहा है। पहले लड़कियों को वॉशरूम में बंद किया था, उसके बाद दूसरे दिन किसी के आंख में चक्कू मार दिया है, ठीक है, तीसरे दिन हुआ था फिर हाथ में, अभी की बात है सर, अभी आज उसका हाथ काट दिया, ठीक है। और मैंने लड़के को छत पे, स्कूल की छत पे देखा है। विद्यालय में जाके सारी जांच की तो उसमें जिस लड़की पे ये वार किया जाना बताया था वो लड़कियाँ स्कूल ही नहीं आई थी, उसे स्कूल बुलाया गया तो उसके द्वारा इस घटना से इनकार किया गया और उसके ऊपर कोई चोट के निशान नहीं है और वो बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद एक और भी बताया गया था कि इसमें 3-4 लड़कियों को कमरे में बंद करके रखा है। पुलिस ने पूरे स्कूल के परिसर में जाँच की, सभी रूम्स चेक किए तो किसी भी लड़की को बंद किया जाना नहीं पाया गया। स्कूल में पढ़ने वाली सारी लड़कियां अपने घर सकुशल पहुंच गई हैं और ये किसी माध्यम के द्वारा से एक अफवाह फैलाई गई थी वो जो बिल्कुल झूठ है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कुशीनगर में शिक्षक की बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ है, जहां छात्रा को स्कूल के क्लासरूम में बंद कर टीचर घर चले गए। घर जाने की जल्दी में शिक्षक ने ये बड़ी लापरवाही होने की खबर भी सामने आई। 2 घंटे बाद में जब छात्रा के रोने की आवाज लोगों को सुनाई दी तो ताला खोला गया। मामला दुधई ब्लॉक के रामपुर पट्टी का बताया जा रहा है। मेरठ की बेटी ने एशियन गेम्स में चीन में तिरंगा लहराया तो पूरा देश झूम उठा। महिला शॉटपुट में 72 साल बाद में किरण बालियान ने देश को मेडल दिलाया है, जिससे कि उनके परिवार में जश्न का माहौल है। किरण की कामयाबी में उनकी मां का बहुत बड़ा रोल है। तकरीबन 10 साल तक किरण की मां बॉबी भी सुबह शाम स्टेडियम में बेटी के प्रैक्टिस के लिए आती थी और कभी कभी पैसों की दिक्कत आ जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। अब उनका सपना है कि की बेटी ओलंपिक में मेडल जीते। कि जब नॉर्थ जोन में एंट्री, मतलब योगिंदर है एक पीएससी के, तो उन्होंने कहा था नुके किरण तू गोला फेंक ले और तेरी एंट्री मैं करवाऊंगा। कहने लगी नहीं सर मेरे पे तो आता ही नहीं है गोला पकड़ना, नुके नहीं हम पकड़वाएंगे। तो उन्होंने गोला पकड़वाया तो इसका 3rd मेडल आया था। अच्छा। तब से फिर मैंने कहा बेटा अब पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है, आगे ही बढ़ के चलना है, अब जो होगा ऊपर वाले पर छोड़ दे। मैंने कहा मैं तेरे साथ दूंगी, मैं कहा मैं चाहे मेरे गहने भी बिक जाएंगे, मैंने कहा मैं जब भी तेरा साथ नहीं छोड़ने की, तेरा साथ दूंगी मैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इनकी माँ का है, क्योंकि ये बाहर जाती थी पीएससी में, जब तक मैं कार्यरत रहा टाइम से छुट्टी मिल जाती थी, ये अपना बाहर जाती थी, लड़के को, लड़का छोटा था,
इनको देख रेख करना, खाना, स्कूल भेजना, घर का सब काम वो मैं करता था। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।